सूबा के निगरान वजीर सनत तिजारत फनी तालीम और रेवेन्यू मोहम्मद अदनान जलील की ज़ेर सदारत पेशावर में लैंड कंप्यूटराइजेशन व डिजिटाइजेशन के हवाले से इजलास। निगरान वजीर अदनान जलील की जानिब से महकमा माल को तमाम अजला में लैंड कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान वजीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 3,500 मौजजात में 2,206 को कंप्यूटराइज किया जा चुका है। इसी के साथ निगरान वजीर की जानिब से महकमा माल के तमाम पटवारियों को रिकॉर्ड दुरुस्त करने और लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की हिदायत की गई। इसी मौके पर निगरान वजीर का कहना था कि करप्शन किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी करप्शन में मुलव्वस पाया गया इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ महकमा माल में पटवारी का नाम तब्दील करने की भी तजवीज़ की गई। पटवारी की बजाय सर्विस डिलीवरी ऑफिसर्स का नाम जरे गौर लाया गया। निगरान वजीर अदनान जलील को ब्रीफिंग में बताया गया कि 3 माह में तमाम तर लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन के लिए बाकी मानदा अजला में GIS बेस्ड सर्वे जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 45% लैंड सेटलमेंट मुकम्मल हो चुकी है, बाकी मानदा 55% लैंड सेटलमेंट पर काम जारी है। इस मौका पर निगरान वजीर ने रेवेन्यू एकेडमी के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना भी किया। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत के दौरान निगरान वजीर अदनान जलील का कहना था कि लैंड कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील वक्त की अहम जरूरत है और लैंड कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट की तकमील के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे।